ये जन सैलाब अध्यापकों का, अध्यापिकाएं यहाँ बहुत तादाद के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर एक तहलका मचा दिया। पूरी दिल्ली जहाँ भी रेड लाइट लाल बत्ती हैं वो सबको जाम कर रखा है। वो क्यों जाम कर रखा है कि अपनी मांगों को लेकर जब उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं सुनी तो उसके बावजूद आज ये जो केंद्र सरकार से अपने गुहार लगाने के लिए आए हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेके ये जंतर मंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम? सविता राय मेरा नाम है। आप कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर जनपद से आए हैं। गोरखपुर जनपद से? तो आप यहाँ आए हैं किस लिए आए हैं, क्यों आए? महोदय, हम अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। हमारी मांगें उचित हैं, न्यायपूर्ण हैं, जिसको सरकार हम वादा खिलाफी करके हम लोगों को इस स्टेट पे पहुंचा दिया है। आज अंतिम गुहार, अंतिम मांगें लेकर के हम जिला से, प्रदेश से और बहुत ही व्यथित और दुखी होकर के हम राजधानी पे आए हैं कि आज हमारी मांगों को केंद्र सरकार सुनेगी, जिसने विगत दिनों में, विगत वर्षों में जब उनकी सरकार नहीं थी, पिछली सरकार थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि वो अपने अध्यादेश में, अपनी मांगों में हमारे समस्याओं का निदान बहुत ही तरीके से करेंगे। फिर भी आज 17 सालों से जो हमने निष्ठा और ईमानदारी से काम किया है, आज उसका नतीजा है कि इस सरकार ने हमें यहाँ पर भुखमरी के कगार पर ले आकर के बैठा दिया है। महोदय, हम आपसे बताना चाहते हैं कि उचित क्या है, सही क्या है। हम आपसे बताना चाहते हैं कि 17 सालों से हमने बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से 2200 रुपये पर हमने बेसिक शिक्षा को संभाला था, और इसी भाजपा सरकार ने, जब बेसिक शिक्षा की बुनियाद बिल्कुल खत्म हो रही थी, उसका नामो निशान नहीं था, तो 2200 रुपये में हमको रखा था। हम दो शिक्षा मित्र अपने गांव के इंटरमीडिएट टॉपर थे, हमको रखा गया था, और हमने इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को घर घर से, गलियों गलियों से, विद्यालय पे जब तालाबंदी थी, हमने बच्चों को लाया और बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। और शिक्षा ही नहीं, उनके सर्वोत्कृष्ट विकास के लिए हमने अपना तन मन धन लगा दिया। 17 सालों से हमने महोदय काम किया है, और हम अब माननीय योगी जी, मोदी जी से कहना चाहते हैं कि 2200 रुपये में हमने 17 साल काम किया है। पिछली सरकार हमारे आई और NCERT वालों ने हमारे समायोज, हमारे, हमें 2 साल का दूरस्थ BTC करवाया, क्योंकि हमको जो हमारी योग्यता रखी गई थी, हम BA हैं, BTC हैं। उसके बाद 2010 के पहले जो TET लागू करवाया गया, हमको NCERT ने अपनी किताब, अपनी पुस्तक में रखा कि जो 2010 के पहले के हैं उनको TET देना अनिवार्य नहीं है। इसी तहत पे इस सरकार ने हमें TET से छूट रखा और हमारा समायोजन कर दिया। महोदय, हमको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। हम पूछते हैं इस योगी और मोदी सरकार से कि अगर पिछली सरकार ने हमें 3500 से 35000 पे हमारे कार्यों को, हमारे परिश्रम को, हमारी निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए जो बेसिक शिक्षा का जो मानदेय था उसी के बराबर हमको रखा, कि आप लोग उनसे चढ़ बढ़ के काम किए, बेसिक शिक्षा की बुनियाद बनाने में आप लोगों की अहम भूमिका है। फिर हम इन सरकार से पूछना चाहते हैं, और हर साल इस NCERT वालों ने हमारी गुणवत्ता को भी जाना, हमारे गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं आई, कि अगर हम इंटर पास है और हम BTC हैं, स्नातक हैं, तो हमारी गुणवत्ता में अगर कोई कमी रही होती तो 17 साल तक हमको रखा क्यों नहीं गया? क्यों साल भर, अगर हम संविदा कर्मी थे तो साल भर बाद हमको क्यों नहीं निकाल करके फेंक दिया गया? और जो योग्य टीचर हैं उनको क्यों नहीं रखा गया? अगर आपका काम चलता रहा तो महोदय, हम आपसे यही करना चाहते हैं कि हमने जवानी, अपना तन मन धन बेसिक शिक्षा को बनाने के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आज सरकार, कोर्ट ने, जिस कोर्ट, जो हमारा समायोजन नदुआ, जो इस बेंच से हमेशा सबको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जो हमारे टॉपर वकील से हमारे पक्ष में एक एक पॉइंट रखे, हमारे विपक्ष में जो फैसला आया वो महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल ही निरर्थक था, और तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया राजनीति के तहत। महोदय, हम आपसे बताना चाहते हैं कि अगर हम अयोग्य हैं तो हमें समय दिया जाता कि हम अपडेट कर लेते। हम अब महोदय, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कौन सी योग्यता कहते हैं? क्या हम इंटर पास नहीं हैं? हम BA पास नहीं हैं? हम स्नातक हैं, हमने 2 साल का BTC
बीटीसी किया है, फिर यहाँ योग्य आयोग की बात क्यों हो जाती है महोदय? हम कहना चाहते हैं अगर टेट हमारे लिए लागू होता है तो 2010 के पहले के जितने शिक्षक हैं उनके ऊपर ही टेट लागू होता है, फिर हमारे ऊपर खोज करके हमारे साथ केवल व्यक्तिगत रूप से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? महोदय, कोर्ट के फैसले से हम सारे लोग एकदम धराशायी हो गए हैं और ये फैसला कोर्ट का जो आया है एक पक्षी आया है, राजनीति के दबाव में आया है महोदय, क्योंकि जिस तरीके से हमारा बहस हो रहा था हम बहुत ही खुश थे कि हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा, लेकिन महोदय रातों रात ऐसी क्या हो गई कि सब कुछ खत्म हो गया और हम लोगों के ऊपर इस तरीके से आफत आन पड़ी जिसका हमको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस जो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायपालिका जो न्यायमूर्ति है जिस पर दुनिया का एक एक आम आदमी का भरोसा है वो इस तरीके से बिक जाएगी और हमारे साथ सौतेला व्यवहार करेगी। महोदय, हम अब केंद्र सरकार के पास आए अपनी मांगों को लेकर के कि आपने कहा था कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, तो क्या हम अगर जो रोजगार है क्या आपके प्रोगडंडे में ये लिखा है कि जो रोजगार है उनकी नौकरियां छीन ली जाए? अगर हम 35,000 पे आए थे तो आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि हमको इस राह पर ले आकर के आप खड़ा कर दिए हैं? हमारे बच्चे जो हैं स्कूल में हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, हम माननीय मंत्री जी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारा मान और सम्मान हमें वापस करिए, हम बेसिक शिक्षा को जैसे 70 साल तक संभाले हैं आज भी संभालने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और हमारा मान और सम्मान दे दीजिए ताकि जो हमारे देश के बच्चे हैं जो कल के हमारे भविष्य हैं हम उनका सर्वोत्थान कर सकें।